ऐसा कोई दिन बीता ही नहीं होगा आपके जीवन में जहां पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आपका वास्ता ना हुआ। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, अर्थमेटिक्स तो फिर बाद में आता है। छोटी मोटी कैलकुलेशन सब लोग बिना पेन और पेपर का यूज किए ही करना चाहिए। कोई टीचर जबरदस्त है और उसने बहुत अच्छे से बच्चे के माइंड में डिलीवरी कर रखी है, उसने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को डिलीवर कर रखा है, तो मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट, इतना मोहब्बत बरसाने वाला सब्जेक्ट है कि आप कभी उससे हेट कर ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा.com और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हमारे साथ हैं नवनीत तिवारी जी, जो कि टीचर हैं, अड्डा 24/7 में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स का ज्ञान सिखाते हैं। मैथ्स जो कि कई लोगों के लिए बड़ा टफ होता है और कईयों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए टफ होता है और कई लोगों के लिए आसान भी होता है। वायरल मैथ्स इनकी एक्सपर्टीज है। और वायरल मैथ्स क्यों कहते हैं, मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में और कैसे मैथ्स का यूज करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये सब बात करेंगे नवनीत जी से। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com में। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि व्हाई वायरल मैथ्स को आप जो पढ़ाते हैं, व्हाई इट इज नॉट जस्ट सिंपल मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, व्हाई वायरल मैथ्स? सर, वायरल मैथ्स सिर्फ एक क्लास नहीं है जिसको हम लोग अपने डेली लाइव सेशन हम ले रहते हैं मॉर्निंग 6 पर, हम सुबह सुबह 6 बजे पढ़ा रहे होते हैं वायरल मैथ्स। वो एक प्रकार की डेली एक्टिविटी है, डेली लाइफ में जुड़े हुए वो कैलकुलेशंस हैं जो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारे एज के बच्चे हों, लोग हों, या फिर सीनियर्स भी हों उसमें इंक्लूडेड। हम जब भी बाहर जा रहे होते हैं, रास्ते में किसी भी परचून की दुकान पे हमें कुछ सामान खरीदना है, या फिर हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस हमारे इन्वॉल्व हो ही रहे होते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मेरा मानना ये है कि मैथमेटिक्स में ये जो चार ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये चार ऑपरेशन ऐसे हैं जो हर एक क्वेश्चन में आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, यानी कि आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो कैलकुलेशन से हमें डेली हमारा रूबरू होता है, बट हमारी कैलकुलेशन उस हिसाब से नहीं होती है जो हमें, मतलब जिस हिसाब से हमारी होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, हम बाहर गए, हमें दो नंबर्स का सम करना पड़ा, उसके लिए भी, जो कि हमें मालूम है कि हमें डेली सम करना है, डेली मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए भी हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही होती है। अब आप ऐसे सोच के देखो कि आप मार्केट में गए, आपने 4 से 5 सामान लिया और उसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये हम लोग के लिए सही नहीं है, है ना। छोटी मोटी कैलकुलेशन हम लोग बिना पेन और पेपर का यूज़ किए ही करना चाहिए। चलिए, ये तो फिर भी एक तरह से मान लें कि हो सकता है नॉर्मल बात है, क्योंकि हम लोग को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन जब ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर वो छोटी कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जब ऐसे बच्चे बैंकिंग की दुनिया में आते हैं, उनको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना होता है, तब तो मतलब उनके लिए डिजास्टर हो जाता है फिर। मतलब जहाँ पर आप बैंकिंग की दुनिया में एंटर कर चुके हो, आपको कैलकुलेशन में, मतलब आपको प्रो होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस आपको ओरली करके दिखा देना होगा, वहाँ पर आपको पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ रहा है, वो भी बेसिक कैलकुलेशंस में। तो मतलब वहाँ से फिर शुरुआत होती है कि कम से कम एटलीस्ट आपकी नॉलेज मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के पार्ट पर इतनी होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो उसके लिए हमें पेन और पेपर का यूज़ बिल्कुल ना करना पड़े, या फिर कम से कम करना पड़े जहाँ पर मोस्ट रिक्वायर्ड। तो ये शुरुआत में मेरे साथ क्या था कि मैं छोटा था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं लकीली कह सकता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ, बट एक्चुअल में देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अर्थमेटिक्स तो फिर बाद में आता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे महसूस हुआ कि यार, मुझे तकलीफ थी तो क्या बच्चों को भी होगी। और जब मैंने इन चीज़ों को बच्चों के बीच में उतारना शुरू किया, मैंने नोटिस किया कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, एक्चुअल में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको एक्चुअल में वही चीज़ें फेस करना पड़ रहा है, वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो मैंने अपने टाइम पर कर रखी थी। तो मैंने जब बच्चों को टेक्निक्स के थ्रू, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू और डेली प्रैक्टिस के थ्रू बच्चों को जब वायरल मैथ्स के माध्यम से मैंने कैलकुलेशंस अप्रोच करना सिखाया, तो वो एक अलग ही लेवल पर कमाल दिखा बच्चों में, काफ़ी क्रेज़ नज़र आया। और वायरल मैथ्स सुबह सुबह 6 बजे मैं पढ़ाता हूँ, उसके पीछे के 2 रीज़न है। नंबर 1, एक तो सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो बिल्कुल शांत, यूनिवर्स शांत, और पुराणों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, हर समय यही बोला गया है हर एक किताब में कि मॉर्निंग टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम होता है वहाँ पर। और उस टाइम पर आप जो भी चीज़ें सीखते हो, हम लोग के दादा परदादा सब यही कहते हैं, उस टाइम पर आप जो भी सीखते हो सारा का सारा आपके माइंड में आपको याद हो रहा होता है। तो मॉर्निंग 6 पर इसलिए मैंने वायरल मैथ्स की क्लास शुरू की। और दूसरी बात है कि मैंने उसमें रेगुलर प्रैक्टिस के ऊपर काम किया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है उसमें, हम कहें कि हाँ सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, जो बेसिक आप डेली यूज़ कर रहे हो उन चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है और रिग्रेस प्रैक्टिस होता है। हो सकता है कल जो पढ़ाया हो वही सेम आज मैंने फिर से रिपीट कर दिया हो। जब आप रेगुलर बेसिस पर एक ही चीज़ कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। और ये रीज़न है वायरल मैथ्स का सुबह सुबह पढ़ाने का और वायरल मैथ्स के सक्सेस पाने का। नवनीत जी, एक बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा कि मैथ्स बहुत सारे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, और एट एनी लेवल ऑफ योर लाइफ, जैसे आपने बोला कि हम बेसिक्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है कई बार उसी में फॉल्ट कर जाते हैं,
और तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इवन अप टू द ग्रेजुएशन लेवल, पीपल स्ट्रगल कि लोग मैथ्स को, मैथ्स से इतना भागना चाहते हैं कि मैथ्स की चाहत में मैथ्स के सब्जेक्ट्स ना लेने की चाहत में वो मेडिकल की तरफ या फिर और विषयों की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं मैथ्स टकरा ही जाता है कॉमर्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि मैथ्स क्यों इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट से डिफिकल्ट होता ही नहीं है। एक्चुअल में डिफिकल्ट वो बन इसलिए जाता है क्योंकि बचपन से जब हमारी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल लेवल पर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमें फैकल्टी पढ़ा रहा होता है वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमने जैसे क्लास सिक्स में सबसे पहले थोड़ा सा जो एडवांस लेवल की पढ़ाई शुरू होती है वो क्लास सिक्स से ही शुरू होती है। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, अब हुआ क्या कि जब जो टीचर हमें वहाँ पर सामने खड़े होकर के हमें पढ़ा रहा है, तो उस टाइम पे हम खुद ही छोटे हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है, मैथ्स भी है, सोशल भी है, साइंस भी है, तो टीचर हमारे सामने जो है वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत ब्रिलियंट टीचर हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर हो, बट हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग मैच नहीं कर पा रही है, तो हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कभी कभी वॉइस क्वालिटी होती है, टोन होती है, कि वो कुछ बोल रहा है वो हमारे माइंड में एंटर नहीं कर रहा है। बहुत बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे रीजंस भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि वो हमें पढ़ा तो रहे हैं बट हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से जो सब्जेक्ट है और हमारा, हमारे बीच में गैप आना शुरू हो जाता है, एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैकल्टी जो था वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए या फिर हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हमारे और सब्जेक्ट के बीच में गैप बनना शुरू हो गया। मतलब फैकल्टी का इंपॉर्टेंस खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये जो गैप बनता है, ये जो डिस्टेंस बनना शुरू होता है, इस वजह से हम सब्जेक्ट के साथ दूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे उसका रिजल्ट इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हम मैथ्स से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अगर कोई टीचर ज़बरदस्त है और उसने बहुत अच्छे से बच्चे के माइंड में डिलीवरी कर रखी है, उसने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को डिलीवर कर रखा है, तो मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट, इतना मोहब्बत बरसाने वाला सब्जेक्ट है कि आप कभी उससे हेट कर ही नहीं सकते हो, बसरते बचपन में जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई हो वो करेक्ट हुई हो। अगर वो सही है तो फिर हमारा सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा अहमियत बताइए, मैथ्स की अहमियत क्या है एक व्यक्ति के जीवन में? सर मैंने अभी बताया ना कि मत सोचो कि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, बट आप मुझे ये बताओ कि आप मार्केट में या फिर कहीं पर भी किसी भी दुनिया में आप बाहर निकलोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो हर समय आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा आप कोई दिन नहीं सोचोगे, ऐसा कोई दिन बीता ही नहीं होगा आपके जीवन में जहां पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से आपका वास्ता ना हुआ हो, होगा ही होगा। और यहीं से शुरुआत हो जाती है सर मैथमेटिक्स की। फिर बाद में अर्थमेटिक आता है, बाद में ट्रेन एंड डिस्टेंस आता है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस आता है कि हम कितना उधार लें, कितना, ये तो हम बता रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल आप लाइफ में देखोगे ये तो होते ही होते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ पर आपने बेसिक एडिशन ना किया हो, बेसिक सब्ट्रैक्शन ना किया हो। अब यही चीज़ अगर हमारी वीक है तो मतलब मैथमेटिक्स फिर वीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन में, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्लास सिक्स लेवल के बच्चे की और मैं बात कर रहा हूँ सीनियर जो गार्जियंस हमारे, यानी कि हमारे मम्मी पापा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उनसे भी ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ जो दादा दादी हैं, उन्हें भी कम से कम इतना लेवल तो आना ही चाहिए मैथमेटिक्स में कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो इजीली कर पा रहे हैं। क्योंकि आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो हम, मेरे खुद माँ बाप और उनसे भी ऊपर अगर हम चले जाए तो उनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में बहुत दिक्कत है। बट कहते नहीं कि इंसान नहीं बोलता, उसका अनुभव बोलता है। तो एक ऐसा लंबा समय उनका बीत चुका है कि करेंसी हो गया, नोट कैलकुलेट करना हो गया, और उतने में बड़े वो माहिर हैं क्योंकि डेली लाइफ में जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं लगातार, तो इसलिए वो कर पा रहे हैं। बट मैथमेटिक्स तो वहाँ पर भी इन्वॉल्व है, और मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज़ जो होना ही होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट पर तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। आपने बताया कि फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल होता है खासकर मैथ्स सीखने में, उसके अलावा अगर मैथ्स किसी को आसानी से सीखनी है तो वो किन किन चीज़ों पे एक स्टूडेंट ध्यान दे? मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में शुरुआत आपको यहीं से करनी है, कैलकुलेशन पर ही। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छा शुरू होती है, होना शुरू होती है, मतलब आप कैलकुलेट करना, आप इजीली परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपका इंटरेस्ट आना शुरू होता है। और वो कैलकुलेशन अगर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर होना शुरू हो जाए, मतलब आपने पेन भी यूज़ नहीं किया, सामने चार पांच नंबर्स आए, आपने उनको तुरंत कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो वहाँ से शुरुआत होती है आपके इंटरेस्ट डेवलप होने की। और जब इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप डीप में जाना शुरू कर देते हो कि और देखें, और तह में देखें, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती है। मतलब बेसिकली मेन है इंटरेस्ट, वहाँ आपने एक बार अगर उसको ट्रिगर कर दिया कि आपको इंटरेस्ट आ गया मैथमेटिक्स में, तो इंसान, एक इंसानी दिमाग ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर चाह ले तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है,
रिसोर्सेज बढ़े पड़े, किसी भी फैकल्टी की जरूरत नहीं है। वो जो स्पार्क होता है ना, उसे डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किसी फैकल्टी की जरूरत होगी। अगर वो स्पार्क आपके अंदर आ गया तो आप खुद ही सारा का सारा एक्सप्लोर कर लोगे पूरे पूरे सब्जेक्ट को। जैसा कि नवनीत सर ने बताया कि मैथ्स बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसे इत्तेफाक रख सकते हैं। सीखने के लिए आपको ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब और परफॉर्म करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और मैथ्स को अपनी दिनचर्या में एक कहानी की तरह लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आप स्टेटमेंट्स को जैसे कि अरिथमेटिक जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझकर तब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। ऐसी ही चीज़ों पर गौर करिए और कहीं ना भविष्य में आपकी मेहनत के बाद, आपके ऑब्जर्व करने के कारण, आपके परफॉर्म करने के कारण आप मैथ्स में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिक्षा.com पर बातचीत करने के लिए।